तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या है। क्लासिकल फिजिक्स एक बेसिक फिजिक्स है, न्यूटन की फिजिक्स है, जो न्यूटन ने 1600 सेंचुरी के अंदर जो फिजिक्स जो फंडामेंटल्स रूल दिए थे डेली लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कौन सा पार्ट है? क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। मींस क्या हुआ कि 1600 के आसपास वाली जो न्यूटन की जो फिजिक्स आई थी उसको क्या कह सकते हो? क्लासिकल फिजिक्स। भाई एग्जांपल कैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करना चाहिए, कौन सी पोजीशन है वो मूव करता है, तो कितने टाइप का मोशन होता है, स्पीड कैसे इंक्रीज करना चाहिए, एक्सेलरेट कैसे करना चाहिए, कैसे फोर्स लगाना चाहिए, ओके? ये सारा किसका पार्ट है? क्लासिकल फिजिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स को पहले नहीं पढ़ सकते, क्यों? मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी के लिए क्लासिकल फिजिक्स की नीड होगी, इसलिए पहले क्लासिकल फिजिक्स वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ओके? तो पूरा प्लस वन जो है पूरा क्लासिकल फिजिक्स से बना हुआ, पूरा क्लासिकल फिजिक्स है, और 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। कि सर मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है वो 21 जो सेंचुरी वाली फिजिक्स है, या इन फ्यूचर जो फिजिक्स आएगी उस फिजिक्स को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। नए प्रिंसिपल्स आएंगे, नई एक्सपेरिमेंटल स्टडी आएगी, उसको कह रहे हैं। तो बात करें मॉडर्न फिजिक्स, लाइक एग्जांपल से समझिए आप, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आजकल चल रहा होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक में कि सन की जो लाइट है, सन के पास जो एनर्जी, इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर। ये क्या है? मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट है। लेंसेज है, तो लेंस वगैरह, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारे मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है। तो इनिशियली अब मैं स्टार्ट करता हूं, मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं, फिजिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स को आपको स्टडी करने के लिए आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल टॉपिक है उनको आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ओके? तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे देखते हैं। फंडामेंटल टॉपिक ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वह फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा, वह। दूसरा कौन सा पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन। थर्ड टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। फोर्थ टॉपिक कौन सा, ग्राफ। और फिफ्थ टॉपिक कौन सा है, ये ऐसे फंडामेंटल टॉपिक है जो आपको कंप्लीट फिजिक्स की स्टडी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, आप यूनिट वाइज देखोगे एनसीईआरटी बुक को, जब यूनिट वाइज देखोगे आपको उसमें ऐसे टॉपिक नहीं मिलेंगे एक साथ, एक टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में है, ये थर्ड में मिलेगा, ये फिफ्थ में मिलेगा, ऐसे अलग अलग ही बनेंगे टॉपिक, ठीक है? इन टॉपिक्स को पहले पढ़ते हैं, इनको फंडामेंटली जितने भी टॉपिक है इनको बार बार इनको पढ़ेंगे, फिर इनको यूज करेंगे। सिंपल ये कैलकुलेशन है, ये क्या है, एक कैलकुलेशन है कि फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कैलकुलेशन का पार्ट है। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से मतलब पकड़ होनी चाहिए इनके ऊपर। आप इनके ऊपर अच्छी पकड़ बनाते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह में कोई डाउट नहीं आएगा। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल आप कर लेते हो, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हो, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने में कभी आपको वेक्टर की नीड होती है, कभी आपको डिफरेंशिएशन की नीड होती है, कभी आपको इंटीग्रेशन की नीड होती है, कभी ग्राफ की। तो एट ए टाइम उस टाइम आप नहीं कर पाते हो, तो इसलिए नहीं कर पाते हो तो
न्यूमेरिकल नहीं होता, फिर ये होता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो वो रोल रहता है इन पांच टॉपिकों का, ग्राफ कोई भी इक्वेशन दे देंगे कि ग्राफ बनाइए आप। अब आप क्या करोगे ग्राफ बनाने के लिए, देखोगे ऐसे ही कौन सा फॉर्मूला लगाए, आपको इन फॉर्मूले की नीड ही नहीं होगी। आपको क्या करना चाहिए कि पहले इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं, फिर यूनिट बाद में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट यूनिट तो एक फिजिक्स का क्या है, एक पूरा टाइप है फिजिक्स, कितने टाइप के होते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट है, तो इन टॉपिकों से स्टार्ट करते हैं। तो जो फिजिक्स वगैरह के, मैं इन फिजिक्स का कुछ कंपटीशन वगैरह है उनके अंदर भी देखें, एक ले रहा हूं मैं मैथमेटिक्स वाले बच्चे और एक है बायो वाले बच्चे। जैसे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है, मैथ वाले के लिए जैसे जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस का, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से और 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री और 30 आते हैं मैथ। ओके तो 30 करो, और इनमें नीट के अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 में से 45 क्वेश्चन किसके आएंगे, फिजिक्स के आएंगे। तो इसका मतलब फिजिक्स का काफी रोल है, और ये भी मैं बता देता हूं प्लस वन की जो फिजिक्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फिजिक्स 11th क्लास और 12th क्लास का रेशियो रहता है 60:40, मीन ये हुआ 11th क्लास का 60% तो 12th के कितने आएंगे 40%, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फिजिक्स है प्लस वन वाली। ओके तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, जिसको डाउट आए आप डाउट बताएंगे। तो अब आप लोग नोटबुक यूज कीजिए। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है यूनिट फर्स्ट, वेक्टर हेडिंग डाल लीजिए, वेक्टर कौन है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके देखते हैं ये वेक्टर क्या है, इसका फिजिक्स में क्या यूज होगा, कैसे इसकी एप्लीकेशन करेंगे ये देखते हैं। इसके इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आप लोगों का। देखिए दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास है 5 kg और सेकंड पार्टिकल का मास है 3 kg। एक ये एग्जांपल ले लिया मैंने, दूसरा एक एग्जांपल है, एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट है ना वो 5 न्यूटन का एक्ट है, दूसरे जो फोर्स एक्ट है वो 3 न्यूटन एक्ट है। ओके ये ले लिया मैंने। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि टोटल मास कितना हुआ और टोटल फोर्स कितना हुआ, आप सभी को रिप्लाई करना है, तो बताएंगे कि टोटल मास कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फाइंड करते हो ना कि टोटल मास कितना होगा, आपको जवाब देना है, रिप्लाई करो। मुस्कान, हिमांशु, तनु, बताइए आप लोगों को बताना है टोटल मास कितना आएगा, बता देता हूं। देखिए टोटल मास ऐड करोगे 5 kg 3 kg कितना जाएगा 8 kg। ओके अब मैं टोटल फोर्स आपसे पूछ रहा हूं, टोटल आप कितना बताओगे 5 + 3 न्यूटन। देखिए तो ये आपका सही है बट ये आपका क्या है, गलत है। कि सर ये कैसे गलत है, इसी टाइप से इसको ऐड किया है। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको जो एडिशन मेथड लर्न करवाए थे 10th क्लास तक वो कौन सी क्वांटिटी को आता है आपको, स्केलर। आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपको वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये अभी तक आपको पता नहीं है। तो इसी को
आपको क्या करना है, इन वेक्टर के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो ये देखेंगे, तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, वेक्टर वाला रहेगा। ओके यूनिट फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए डायरेक्शन के बेसिस पर क्वांटिटी टू टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप 10th क्लास तक आप पढ़ चुके, और वेक्टर क्या करना है आपको अभी पढ़ना है आपको। तो क्या है स्केलर क्वांटिटी, आपको नोट्स मेकिंग साथ साथ करना है, आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगी बट आपको नोट्स मेकिंग साथ साथ ही करना है। स्केलर क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी है जिनके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस कि आप उसकी डायरेक्शन चेंज करो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब उस क्वांटिटी के पास केवल एक चीज वैल्यूएबल होती है, वो होती है उसकी वैल्यू। मतलब स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल एंड केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, उन क्वांटिटी को क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर, अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओनली फॉर ओनली क्या होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखिए एग्जांपल देखते हैं स्केलर क्वांटिटी की, कौन कौन से हैं एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपने कौन कौन से एग्जांपल हैं, सबसे पहले पढ़ा था आपने मास 10th क्लास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, और रेजिस्टेंस, चार्ज, करंट, पोटेंशियल, इसके अलावा बताइए 10th क्लास में था रेजिस्टिविटी, और बताइए एग्जांपल हिमांशु, वीरेंद्र, और बताइए कोई ऐसा एग्जांपल जो आपको पता है। ये पोटेंशियल, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, करंट हो गया, हीट, एनर्जी, वाट, पावर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये एग्जांपल है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल को धीरे धीरे क्या करते रहेंगे यूज करते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे उन एग्जांपल को समझते रहेंगे सर ये कौन सी क्वांटिटी है। ओके तो इतनी ये सारे मैंने स्केलर क्वांटिटी होगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी है इस टाइप की क्वांटिटी है जिसके पास ओनली क्या होती है वैल्यू होती है।
इसके ऊपर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ये जो एग्जांपल है मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, रेजिस्टेंस, चार्ज, ये सारे किसके एग्जांपल है? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। अगर समझ में किसी को डाउट है तो आपको कमेंट करना है, बताइए किसी को डाउट हो तो, अदरवाइज ओके लिखिए। ओके आगे चले। तो ये स्केलर क्वांटिटी था, ये आपने 10th क्लास तक पढ़ लिया था आपने कि 10th क्लास में कितनी सारी क्वांटिटी थी, इनके पास की वैल्यू थी, इन्हीं का आपको एडिशन आता है और इन्हीं को आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, वेक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हो तो आप देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़ा रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी देखिए, अब 11th क्लास से कुछ क्वांटिटी ऐसी आएंगी जिनके पास में डायरेक्शन भी होगी प्लस उनकी वैल्यू भी होगी, मतलब दोनों का फैक्ट रहेगा, दोनों रोल करेंगे। विदाउट डायरेक्शन नहीं होगी ये क्वांटिटी, मीन डायरेक्शन चेंज करते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज, इसका फैक्ट भी चेंज हो जाएगा, मीन ही चेंज हो जाएगा। इसका मीन क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इस टाइप की क्वांटिटियां होती हैं जिनके पास, ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन का फैक्ट प्लस उसकी वैल्यू, उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखिए क्वांटिटी विच हैव, क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स ये मतलब जो मेन फैक्ट है, एक तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये दो चीज होती है बस, इनके ऊपर आपको क्या करना है? फोकस करना है। मैग्नीट्यूड प्लस है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू। देखिए मैं अब एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एक पार्टिकल है, उसका मास है 5 kg, ये 5 kg है, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो, देयर इज नो इफेक्ट, इसके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए आपका मास 50 kg है, कितना केजी है? 50 kg। आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मूव कीजिए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, तो आपका मास क्या रहेगा उस टाइम? तो 50 kg ही रहेगा। आपके मास में न इंक्रीजमेंट होगा न कोई डिक्रीजमेंट होगा। इसका मीन क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यदि इफेक्ट पड़ता तो ये क्या हो जाता? चेंज हो जाता, कुछ चेंजेस आते इसके अंदर। इसका मतलब डायरेक्शन है ही नहीं, केवल एंड केवल क्या है इसके पास? वैल्यू है। तो इसका मतलब केवल जिसके पास वैल्यू या मैग्नीट्यूड होता है जिस क्वांटिटी को, उसको कौन सी क्वांटिटी के अंदर आती है? वेक्टर के अंदर आती है। किस क्वांटिटी के अंदर आती है? वेक्टर के अंदर आती है, सॉरी वैल्यू होता है किसमें आती है? स्केलर में। और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी किसमें आएगी? वेक्टर के अंदर आएगी। ओके,
अब मैं दूसरा एग्जांपल, एक पार्टिकल है, एक बस है जिसके ऊपर आप 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन है फोर्स लगा रहे हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर ये ग्राउंड ऊपर एक बस लगा दी, ठीक है। यदि आप ये 50 न्यूटन इस तरफ लगाओगे, देखिए 50 न्यूटन ही लगा रहे हो और आप लगा रहे हो राइट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हो, ये बस किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, ओके। और इसी 50 न्यूटन को आप राइट लेफ्ट डायरेक्शन में लगाओगे आप, तो ये बस कौन से डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, लेफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स में डायरेक्शन का रोल है ना, मतलब राइट डायरेक्शन में लगाते हो तो बस राइट में मूव करती है, लेफ्ट में लगाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में मूव करती है। लेकिन फोर्स तो आप क्या लगा रहे हो, सेम ही लगा रहे हो, 50 न्यूटन ही लगा रहे हो। इसका मीन क्या हुआ कि आपने वैल्यू को चेंज नहीं किया बट डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज करते ही पार्टिकल की यानी कि बस की सिचुएशन क्या हो गई, पूरी चेंज हो गई, ओके, क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसका मतलब फोर्स ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी है प्लस उसके अंदर क्या है, डायरेक्शन भी है, दोनों का रोल है। मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो इसकी सिचुएशन चेंज हो गई तो कौन सी क्वांटिटी में आएगा, वेक्टर में आएगा, और मास कौन सी क्वांटिटी में आएगा, स्केलर में आएगा, क्योंकि मास के पास ओनली क्या होता है, उसकी वैल्यू, उसके ऊपर डायरेक्शन का कोई फैक्टर नहीं पड़ रहा। डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्थ में जाइए साउथ में जाइए कहीं जाइए, किसी पार्टिकल का मास 50 केजी है, क्या रहेगा, 50 केजी ही रहेगा। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या है। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं, स्केलर के अंदर केवल मैग्नीट्यूड का फैक्ट होता है बट वेक्टर के अंदर, हाँ अभी मैं देख रहा हूं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल, थैंक यू। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, बट स्पीड, स्पीड ध्यान रखना, स्पीड कौन है, स्केलर। स्पीड के अंदर केवल एंड केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन है नहीं होती। देखिए बाइक से आप ट्रेवल करते हो, बस से ट्रेवल करते हो, तो बाइक के अंदर जो कार के अंदर स्पीडोमीटर आता है किसको बताता है, स्पीड को। क्या उस स्पीडोमीटर को देख करके आप बता सकते हो कि कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, क्योंकि वो तो केवल आपको 30, 40, 50, 60 इस तरह बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। इसलिए स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, समझ में आ गया ना, हाँ बिल्कुल। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, डाइक्रो। और भी किसी को डाउट है पूछिए कि सर ये कौन सी क्वांटिटी है, मैं देख रहा हूं आपके एक कमेंट के अंदर लिखिए आप लोग, क्वेश्चन वगैरह पूछिए, वेट कर रहा हूं मैं। चलो आगे देखते हैं, अब मैं एग्जांपल लिखवाता हूं वेक्टर के, कौन कौन से एग्जांपल, आप आउटली एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं बट फिर भी आपके माइंड में कोई एग्जांपल आएगी, सर ये कौन सी क्वांटिटी है, बिल्कुल आप इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए और आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ओके, लिखिए आप, याद कीजिए इतने सारे एग्जांपल लिखवा रहा हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए जिनके भी एंगुलर लग रहा है वो कौन सी क्वांटिटी में आएंगे, वेक्टर के अंदर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन,
ओके और बताइए किसी के और बताइए भाई किसी को कोई एग्जांपल बिल्कुल एरिया कौन सी कॉन्फ्लिक्ट है बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी मैं इसको डिस्कस करेंगे कि एरिया कौन सी कॉन्फ्लिक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलो अब देखते हैं ओके अब देखते हैं एरिया की बात करते हैं देखिए दो एग्जाम्पल ले रहा हूं एक एरिया और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है इन दोनों का एग्जाम्पल ले रहा हूं देखिए एरिया आप किसी जैसे फील्ड का किसी ग्राउंड का एरिया मेजरमेंट करते हो आप ठीक है जैसे रेक्टेंगल आप 10th क्लास में फाइंड आउट करते थे रेक्टेंगल ट्रायंगल किसी ग्राउंड का किसी स्कूल कैंपस का एरिया फाइंड करते हो यदि एरिया की वैल्यू एरिया बहुत ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कौन सी क्वांटिटी के अंदर रखेंगे स्केलर के अंदर रखेंगे बट एरिया किसी सरफेस का कंसीडर कर रहे हो आप किसी सरफेस का किसी क्लॉस सरफेस का किसी मतलब एक स्मॉल वैल्यू कंसीडर कर रहे हो तो वो कौन सी में आएगा वेक्टर में तो ध्यान रखना स्टूडेंट एरिया दोनों क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है स्केलर की तरह भी बिहेव करता है और वेक्टर की तरह भी क्या करता है बिहेव करता है बट वेक्टर की तरह कैसे बिहेव करेगा कब करेगा वेक्टर की तरह कब बिहेव करेगा जब उसकी वैल्यू क्या होगी वेरी स्मॉल किसी क्लोज सरफेस का होगा और किसी स्कूल कैंपस का होगा ग्राउंड का होगा वो कौन से एग्जांपल में आएगा स्केलर में आएगा तो मैं लिख देता हूं देखिए एरिया ए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एक मैं और सिंबल लिख रहा हूं यहां पे डी ए और डी थीटा देखिए अब भी मैं यूज करूंगा आगे डिफरेंशिएशन ए है और इसके डी से मैंने डी ए रख दिया ध्यान रखना आपको सर इसे मैं ऊपर लिख देता हूं इनको ये ए और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डी ए और डी थीटा ये सिंबल ध्यान रखना देखिए देखिए कोई भी ए कोई भी क्वांटिटी है यदि मैं इसके डी लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगी वेरी स्मॉल क्वांटिटी आपको फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखना है वेरी स्मॉल क्वांटिटी लैंग्वेज में लिखोगे ऐसे नहीं लिखना है आप डी लगा दीजिए जैसे किसी भी पार्टिकल का मास इतना बड़ा पार्टिकल है इसका मास कितना है एम यदि आप इसको छोटा सा पार्टिकल का मास लेना है तो क्या लगा दीजिए आप डी एम मीन क्या हुआ किसी भी सिंबल के पास में डी लग जाता है वो किसको बताता है वेरी स्मॉल वैल्यू को बताता है ओके तो एरिया कौन सी क्वांटिटी है देखो इसके ये तो बड़ा एरिया ज्यादा एरिया है इस एरिया इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है बट ये डी लगा दिया इसका मतलब ये क्या है वेरी स्मॉल इसलिए ये तो कौन सी क्वांटिटी है स्केलर और ये कौन सी है वेक्टर ओके तो ध्यान रखना एरिया स्केलर की तरह भी बिहेव करता है वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है स्केलर की तरह बिहेव कब करेगा जब एरिया की वैल्यू काफी ज्यादा हो किसी स्कूल कैंपस का हो किसी ग्राउंड का हो बट किसी सरफेस का एरिया है उसके लिए क्या करना है वेक्टर क्वांटिटी यूज करना है ठीक है ऐसे थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो स्केलर और उसकी वैल्यू कम है तो कौन सा कंसिडर करना है आपको वेक्टर कंसिडर करना है क्लियर समझ में आ गया रिप्लाई करेंगे एरिया कौन सी क्वांटिटी समझ में आ गया अच्छे से ओके लिखिए निशु अर्जुन ये आपका भी रिप्लाई नहीं है एरिया समझ में आ गया कौन सी क्वांटिटी है थैंक यू तो ये था एरिया की बात कर रहे थे इसका मतलब आपको आज दो क्वांटिटी पढ़ाई है स्केलर और वेक्टर शायद समझ गए होंगे अच्छे से स्केलर के अंदर केवल एंड केवल वैल्यू होती है वैल्यू का आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो और वेक्टर के अंदर दोनों फैक्ट होते हैं डायरेक्शन प्लस वैल्यू दोनों का रोल होता है मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए आपको कल
आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख के लाने हैं, फिर वो पूछना है आपसे कि सर ये स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। और भी इनके अलावा मैंने जो एग्जांपल लिखवाए हैं, अब देखते हैं ये वेक्टर स्केलर, आपको स्पेशलिस्ट में वेक्टर ही पढ़ना है, स्केलर तो आप 10th क्लास में पढ़ लिए सारे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वेक्टर के कितने टाइप होते हैं, वेक्टर के कितने टाइप हैं, ठीक है। तो देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, देखिए टाइप ऑफ वेक्टर कोई फिक्स नहीं है कि 5 टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं, ये अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, पढ़ने के व्यू के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अलग, जिससे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, ये क्या कर रहे हो पता नहीं है आपको, आज टाइम पे चेंज हो गया था, 7:30 से फिजिक्स की क्लास थी। ओके, तो फिजिक्स वाली रहेगी 7:30, तो फर्स्ट देखते हैं कौन सी वेक्टर, देखते हैं सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर, सेकंड पैरेलल वेक्टर, नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, और भी बहुत सारे हैं, मैंने बताया ना कोई फिक्स नहीं है, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हैं ऐसे, बट इस वेक्टर की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इन्हीं के अंदर क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए ये जो वेक्टर वाला टॉपिक है, देखिए ये मैथमेटिक्स में भी आता है, मैथमेटिक्स में स्पेशली वेक्टर एक बुक है पूरा प्रॉपर, ठीक है, अपने यहां पे फिजिक्स के अंदर ये यूज होंगे टॉपिक, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाए जा रहे हैं, बट मैथ में तो क्या है पूरा क्या है एक बुक ही है इसकी, वेक्टर की। तो अब इन टाइप ऑफ वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी कोप्लेनर, ये सारे हैं और भी लेते हैं। तो मैं अब सबसे पहले स्टार्ट करता हूं यूनिट वेक्टर, अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना है, यूनिट वेक्टर की डिफाइन बाद में करेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी कैसे करें भाई, आपको कैसे पता लगेगा ये वेक्टर है, कैसे लिखें। मैं वैसे भाई ऑडियो बोल दूं कि ये क्वांटिटी वेक्टर, बट रिप्रेजेंटेशन कैसे करें इसका, देखिए ये मैंने अल्फाबेट लिए ए बी सी, तीन अल्फाबेट लिए, अब ये क्या है एक इंग्लिश के क्या है अल्फाबेट, ओके। अब इनके ऊपर मैं ऐसे एक ये साइन लगा रहा हूं, इस साइन को बोलते हैं एरो का साइन, कौन सा साइन है एरो, ये एरो का साइन लग रहा है, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ये एरो, इस एरो के साइन के अंदर ये जो क्या है इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं टैग, ओके। यदि ये किसी भी अल्फाबेट के ऊपर लगा हुआ है ना, इसका मतलब अब मैं ये कह दूंगा ए जो क्वांटिटी है ना, ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, बी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, सी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, कोई भी है एफ है इसके ऊपर ये लगा दिया मैंने वेक्टर, अब क्या होगी एफ वेक्टर, अदरवाइज ऐसे लिखा हुआ था ये क्या था स्केलर, एक अल्फाबेट ही था, ओके